नंबर फाइव का नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पार्ट थ्री। अच्छा, इसको भी हमने उसी तरह हमने चेंज करना है फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला आपको याद है ना? अब ये बताएं कि इनमें से किन किन को हम क्यूब बना सकते हैं। ये क्यूब है, दूसरा क्या है ये? तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ ताकि आसानी हो जाए। एक्स क्यूब प्लस वन अपान ये वाला, उधर भी रख सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। जमा एक्स जमा एक बटा, ठीक है ना? देखिए, 27 को हम लिख सकते हैं क्या? 27 एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 एक्स क्यूब, है ना? या ये आ गया 3 की ताकत 3 एक्स क्यूब, या ये बन गया 3x³। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये पहली रकम आ गई, पहली रकम का मुकाब, दूसरी रकम का मुकाब, ठीक है ना? अब उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते? पहले मैं फार्मूला लिख लूँ यार। फार्मूला क्या था हमारे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² तो हमारा मकसद ये है कि हम इस रकम को इस फॉर्मेट में हमने चेंज करना है, ठीक है ना? जब इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकेंगे होल क्यूब, ठीक है ना? ये काम करना है। तो पहली रकम, ये पहली रकम का मुकाब, दूसरी रकम का मुकाब, उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर? उसके बाद क्या आना चाहिए? 3 ज़रब है पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम का मुरब्बा, फिर ज़रब है दूसरी रकम का, दूसरी रकम है ना बी, यानी ये हमारा ए बन गया, ये आप यूँ समझे ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है ना? तो अब उसके बाद क्या है? 1/3x, यस, ये चीज़। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये थोड़ा सा जमा 3, फिर क्या है? पहली रकम, दूसरी रकम का स्क्वायर, ये चीज़। तो देखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab², ठीक है ना? 3a² b 3, बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ गया। लेकिन ये करने के बाद आप ज़रा देख ले कि ये जो हमने इसको मॉडिफाई किया वो वही चीज़ आती है या नहीं। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसका जवाब ये आना चाहिए, ये आ रहा है। देखिए, 3 दिन से कट जाता है, एक एक्स कट जाए तो एक्स बन गया। तो हमने कोई चीज़ अपनी तरफ इजाफा नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह आप इसको देख ले, ठीक है ना? ये 3 3 से कट, ये स्क्वायर है ना इसका, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? ये 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3 बचेगा, एक्स कटेगा, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर भी हमने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया, सिर्फ हमने इन दोनों को इस इन चारों को बल्कि हमने क्या किया, इस फार्मूले के पैटर्न में चेंज किया। अब चूंकि ये जो शक्ल है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, तो लिहाजा फार्मूले के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं कि पहली रकम जमा दूसरी रकम कुल का चीज़ मुकाब। तो जब मुकाब आ गया, इसका मतलब क्या है? इसको 3 मरतबा हम लिख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर, हाँ, ये चीज़, ये 3 फैक्टर इसके आ गए। तो इस तरह ये फार्मूला, यूज़फुल फार्मूला हमने इस्तेमाल करके 4 टर्म वाली रकम में, कि जिसमें 2 को आप क्यूब की सूरत में दिया गया हो, दूसरा इनके प्रोडक्ट की सूरत में, तो उसको हमने इस फार्मूले की मदद से हल किया।